हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर टर्म 1 2021 टू 2022 क्लास 12th बायोलॉजी। सो जैसा आपको पता होगा कि इस बार जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो सारा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। अब देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। पहले जनरल इंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ लेते हैं। तो जनरल इंस्ट्रक्शन में आप यहाँ देख सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर जो होगा तीन सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए में जो होगा वो 24 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको कोई 20 अटैम्प्ट करना होगा। जो बी है सेक्शन बी, उसमें भी 24 होंगे, उसमें भी 20 करना होगा। और जो सेक्शन सी है उसमें 12 होंगे और आपको 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, राइट। अब सारे जो क्वेश्चन हैं वो कितने मार्क्स कैरी करते हैं, तो वो सारे 1 मार्क्स कैरी करते हैं, ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। आगे देखते हैं, सेक्शन ए यहाँ से स्टार्ट है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट हम देखेंगे, द स्ट्रक्चर ऑफ बाइलोब्ड एंथर कंसिस्ट ऑफ बाइलोब्ड एंथर कंसिस्ट होता है किससे, 2 थीका 2 स्पोरेंजिया, 4 थीका 4 स्पोरेंजिया, 4 थीका या 2 स्पोरेंजिया, या 2 थीका 4 स्पोरेंजिया। सो अगर आपको याद हो तो ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये दोनों थीकाज होते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे होता है स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया हो गया। तो जो स्पोरेंजिया होता है उसका नंबर कितना होता है, 4 होता है, और जो थीकाज होते हैं उसका नंबर कितना होता है, 2 होता है, यानी डी वाला सही है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट में पूछ रहा था फिगर ऑफ एनाट्रोपस ओब्यूल फॉलोइंग दिया हुआ है, इसमें कुछ चीज़ें पूछ रहा है, ये पूछ क्या रहा है, तो ये देखते हैं। ऑप्शन ए बी सी डी ये करके दिया है, यहाँ पे नंबर पूछ रहा है, नंबर ऑफ जो सेल होते हैं चलाचल पे वो कितने होते हैं, नंबर ऑफ माइक्रोपाइलर सेल कितने होते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट इन सेंट्रल सेल। तो अगर आपको याद हो तो जो सेंट्रल सेल होता है वो क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई होता है। पोलर न्यूक्लियाई क्या होते हैं, आपस में फ्यूज़ हुए रहते हैं, ठीक है, और एक सेंट्रल सेल बनाए रहते हैं। तो वो इसमें कितने होते हैं, तो वो 2 होते हैं। अगर हम डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू जाएँ तो ये देखिए सिर्फ इसमें 2 दिया है, यानी बी वाला सही है। बाकी चलाचल पे 3 होता है, ये भी सही है, और माइक्रोपाइलर एंड पे कितने होते हैं, 3 होता है, तो ये भी सही है, ठीक है, यानी टोटल जो होते हैं वो 8 न्यूक्लियाई होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो पूछ रहा है द कोकोनट वाटर फ्रॉम टिंडर कोकोनट इज, जो कोकोनट वाटर होता है उसमें क्या होता है। तो अगर आपने पढ़ा हो उसमें सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, नहीं, उसमें फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी नहीं होता है। हाँ सॉरी, ये जो होगा इसमें क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, जो इंडोस्पर्म होता है वो फ्री न्यूक्लियर होता है, ऐसा कुछ होता है स्ट्रक्चर। और इसके बीच में ये जो होता है वो इंडोस्पर्म होता है, और बीच में ये जो वाटर होता है वो क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिलेटेड टू सीड एक्स एंड वाई। यहाँ पे सीड दी हुई है एक्स एंड वाई, उससे रिलेटेड आपको स्टेटमेंट बताना है कौन सा सही है, ठीक है। तो पहला जो है वो एक्स जो है वो डाइकॉट इंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस है, तो यस जो है ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल डाइकॉट ही है, ठीक है। नेक्स्ट जो पूछ रहा है, एक्स इज डाइकॉट नॉन इंडोस्पर्मिक, नॉन देखिए इंडोस्पर्मिक का क्या मतलब, जो इंडोस्पर्म होता है वो जब वो सीड मैच्योर होने लगता है, अगर वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है तो उसे इंडोस्पर्मिक बोलते हैं, अगर नहीं बचा रहता थोड़ा तो उसे नॉन इंडोस्पर्मिक बोलते हैं। तो यस जो डाइकॉट होते हैं वो इंडोस्पर्मिक होते हैं, पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाते हैं। फिर इसमें पूछ रहे हैं, तो यानी पहला तो सही है, Y इज़ ए मोनोकॉट, हाँ मोनोकॉट तो है पर इंडोस्पर्मिक नहीं होता, वो नॉन इंडोस्पर्मिक होता है, यानी 4 सही है, फर्स्ट एंड फोर्थ यानी ऑप्शन सी सही है इसमें। सो क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव ऑन करेंगे, देखेंगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू हार्मोन सेक्रेटेड बाय प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो हार्मोन सेक्रेट करता है उनमें से कौन सा करेक्ट है। तो पहला जो है वो बोल रहा है प्लेसेंटा सेक्रेट रिलैक्सिंग ड्यूरिंग लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, तो प्लेसेंटा यस ये सेक्रेट करता है रिलैक्सिंग हार्मोन्स। प्लेसेंटा सेक्रेट हाई एफ एस एच ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, नो दिस इज रॉन्ग। प्लेसेंटा सेक्रेट रिलैक्सिंग ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज, तो नो इनिशियल पे नहीं लेटर पे। प्लेसेंटा सेक्रेट एस सी जी एंड एच पी एल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यस मतलब पहला और चौथा यानी सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन 7 देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, द फिगर जो दिया है, ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फिर यहाँ पे आपको क्या बताना है, एक्स वाई जेड ये सारी चीज़ें दी हुई हैं और फिगर बी दिया हुआ है। अब इसमें आपको क्या बताना है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो टेक प्लेस एक्स वाई जेड रिस्पेक्टली इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई, जैसे कि अनफर्टिलाइज एग, फर्टिलाइज एग, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये इसका माइटोसिस हो रहा है, मियोसिस हो रहा है कंटिन्यू। तो ये सारे स्टेज जो है, मोरूला हुआ, ब्लास्टोसिस्ट हुआ, तो ये सारे आपको बताना है कि कहाँ कहाँ पे ये फॉर्म होंगे, ठीक है, आइदर एक्स में, वाई में या जेड में, ठीक है। तो आप ऑप्शन देखते कैसे दिया है, तो बोला कि जो ए है वो मोरूला जो है अनफर्टिलाइज एग, और देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे दिया हुआ है एक्स, ठीक है, यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे वाई, यहाँ पे जेड, ठीक। अब देखिए यहाँ से आप मैच करिए,
कि जो फर्टिलाइज एग होता है वो कहाँ पे फॉर्म होगा। तो आपको पता है ये एम्पुला रीजन पे होता है, ठीक है, एम्पुला जंक्शन पे होता है। तो जो एग वाई है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा एग का, यानी कि इसमें से इसमें से इसमें से एक गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि एक्स पे क्या फॉर्मेशन होगा, एक्स कहाँ पे है, तो एक्स यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है वो आके यहाँ पे क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है, ठीक है। तो ये सही है, ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे आके मर्ज होगा। और बाकी बचा अनफर्टिलाइज एग, तो अनफर्टिलाइज एग जो आपको पता होगा ये अनफर्टिलाइज एग है, यहाँ पे होगा फर्टिलाइजेशन और यहाँ पे होगा उसका इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इन ओवम फॉलोड बाय, जो पेनिट्रेशन होता है स्पर्म का ओवम में वो मतलब वो फॉलोड किस, मतलब उसमें कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट पोलर न्यूक्लियर पोलर बॉडी, तो फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी नहीं होता, कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, मियोसिस क्या होता है, ये अरेस्टेड रहता है फीमेल का, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हार्मोन सेक्रेट फ्रॉम बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज, करेक्ट सीक्वेंस बताना है आपको कि कौन सा जो हार्मोन्स होगा कब कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है, एफ एस एच, प्रोजेस्टोन, इस्ट्रोजन पहले या फिर इस्ट्रोजन या एफ एस। तो अगर आपने पढ़ा हो तो सबसे पहले एफ एस एच होता है, फिर इस्ट्रोजन होता है, फिर प्रोजेस्टोन होता है, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे